हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो प्लान। दिस इज मी मुस्कान अरोड़ा। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जो स्टोरी बनाई थी उसी स्टोरी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब मुझे क्या करना है, अब आपको जाना है कंट्रोल पर और यहाँ से आपको रिपीट का ऑप्शन उठाकर यहाँ पर रखना है, ठीक है। और यहाँ से रिपीट 10 की जगह हम ले लेते हैं रिपीट 20। फिर क्या करना है, फिर आपको चले जाना है मोशन पर और यहाँ पर ले लेना है आपको मूव 10 स्टेप। 10 स्टेप की जगह यहाँ पर हम कर देते हैं 20 स्टेप्स। फिर आप चले जाइए लुक्स में और वहां से आप ले लीजिए नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम मैंने ले लिया और इसको मैंने इसके बीच में ऐसे सेट कर दिया। फिर उसके बाद हमें इसको हाइड कराना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ और इसको अब मैं करा देती हूँ यहाँ पर हाइड, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल पर जाकर वेट का ऑप्शन ले लीजिए आप और यहाँ पर इसको वेट करा दीजिए 2 सेकेंड का या 3 सेकेंड का, वो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पर 2 सेकेंड का उसको वेट करा देती हूँ और फिर से मैं चली जाती हूँ इवेंट पर और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ ब्रॉडकास्ट मैसेज। मैसेज में जाकर अब मुझे न्यू मैसेज यहाँ पर लेना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज 3। ये देखिए मैसेज 3, ये मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। उसके बाद वेट 3 सेकेंड, फिर से मुझे इसको वेट कराना पड़ेगा। तो वेट के लिए मैं कंट्रोल पर गई और फिर से मैंने वेट का ऑप्शन ले लिया और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वेट 3 सेकेंड, यानी कि जब वो ब्रॉडकास्ट करे मैसेज को उसके बाद वो 3 सेकेंड का वेट करे। फिर क्या हो, फिर एक्स की पोजीशन आपको सेट करनी पड़ेगी। मोशन में जाकर गो टू एक्स की पोजीशन आपको लेनी है, गो टू एक्स, और यहाँ पर आपको लिखना है 68। 44 की जगह मैं ले लेती हूँ 68 और वाई की में जो पोजीशन डालनी है वो मैं डाल देती हूँ यहाँ पर माइनस के 19। फिर से आपको कंट्रोल में जाना है और फिर से आपको इसको वेट कराना पड़ेगा। कितने सेकेंड का, 3 सेकेंड का इसको मैं फिर से वेट करा देती हूँ। और फिर क्या करना है, फिर आपको रिपीट का ऑप्शन लेना है, ठीक है। रिपीट 10 और रिपीट 10 की जगह आपको ले लेना है यहाँ पर रिपीट 1। रिपीट 1 लेकर आपको मोशन में चले जाइए आप और उसके बाद मूव माइनस 10 स्टेप। 10 स्टेप की जगह हमें लेना है मूव माइनस 10 स्टेप और फिर से वेट कराना है इसको। कंट्रोल में जाकर वेट का ऑप्शन मैंने ले लिया और यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ सो देट आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए वेट का ऑप्शन लिया मैंने और इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब ये जो 1 सेकेंड का वेट है, यहाँ पे 1 की जगह मैं इसको 3 सेकेंड का वेट करा देती हूँ और उसके बाद मैं इसको फिर से शो करवा दूंगी। लुक्स में जाके इसको मैंने शो करा दिया। शो क्यों कराया, क्योंकि उसको मैंने हाइड करवाया था, तो अब ये मेरा जो माउस होगा वो फिर से हमारा शो करेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक स्प्राइट को ड्रॉ करना है यहाँ पर, लेकिन इतना पहले मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। द लायन एंड द माउस। वंस देयर वाज अ लायन, ही वाज स्लीपिंग। I want to play. Maybe I can play with this lion. This lion is sleeping. But I can wake him up. Hey lion, wake up. How dare you wake me up? Gotcha. I will not spare you. If you will leave me, then I will help you someday. You are too small to help me, but I will let you go. Thank you. देखिए, अब मेरा जो माउस था वो थैंक यू बोलकर भाग गया, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक और यहाँ पर स्प्राइट लेनी है। चूजर स्प्राइट पर आपको जाना है। चूजर स्प्राइट पर नहीं मिलेगी, हम एक काम करते हैं इसको पेंट कर लेते हैं। आपको पेंट पे चले जाना है और पेंट पर जाकर पहले तो ये फिल का ऑप्शन आप ओपन कीजिए और यहाँ से आपको ये लेना है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर आउटलाइन के लिए ब्लैक कलर सेलेक्ट किया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे 14 हो गया मेरा और उसके बाद मैं सर्कल पे क्लिक करूँगी और सर्कल पे क्लिक करने के बाद मैंने ये सर्कल यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लिया।
फिर मैं लाइन पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ लाइक दिस। इस तरह से आपको अपनी स्प्राइट को ड्रॉ करना है, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको एक व्हील बनाना है। तो जल्दी से हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हो गई है मेरी ड्रॉ। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो इंस्ट्रक्शंस क्या देने हैं, आपको कोड पे चले जाना है और कोड पे जाकर आपको इवेंट्स में से लेना है व्हेन फ्लैग क्लिक, यानी कि जब भी मैं फ्लैग को क्लिक करूं तो क्या हो। लुक्स में आपको जाना है, तो इसको आपको लुक्स में जाकर हाइड करा देना है, यानी कि जब भी फ्लैग को क्लिक किया जाए तो ये क्या हो जाए, ये हो जाएगी आपकी हाइड, ठीक है। अब शो कब करेगी, शो इसको हम बाद में कराएंगे। उसके बाद आपको मोशन में जाना है और यहाँ से लेना है गो टू एक्स वाला ऑप्शन। गो टू एक्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबरिंग डाल देते हैं। माइनस की 57 मैंने यहाँ पर डाल दिया और वाई की जगह मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 50, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अभी जो हमने ब्रॉडकास्ट कराया था मैसेज को, उसी को हमें लेना पड़ेगा व्हेन आई रिसीव मैसेज। तो आपको व्हेन आई रिसीव मैसेज का ऑप्शन लेना है यहाँ पर, व्हेन आई रिसीव मैसेज 3। 2 की जगह हमने 3 लिया था, तो यहाँ पर भी आपको 3 लेना है। उसके बाद आपको कंट्रोल पर जाकर इसको रिपीट कराना है। कितने स्टेप रिपीट कराना है, दैट शुड बी 20 स्टेप आपको इसको रिपीट करा देना है। और फिर आपको मोशन पर जाकर ले लेना है मूव 10 स्टेप, और यहाँ पर आपको 10 की जगह लिखना पड़ेगा मूव 2 स्टेप, कि वो 2 स्टेप मूव करे। और उसके बाद वो क्या करें, उसके बाद हमने इसको हाइड कराया था, तो जब हम किसी चीज को हाइड कराते हैं तो उसको हमें शो भी करवाना पड़ता है, तो इसको हम यहाँ पर शो करवा देंगे, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद आप कंट्रोल पे चले जाइए, यहाँ से आप ले लीजिए वेट 1 सेकेंड का ऑप्शन। उसके बाद लुक्स में जाकर आपको लेना है गो टू फ्रंट लेयर, लुक्स में जाना है आपको और आपको लेना है ये ऑप्शन गो टू फ्रंट लेयर का। फिर आप इसको वेट करा दीजिए, कितना वेट कराएं इसको ये आपकी खुद की च्वाइस है, लेकिन मैं इसको 14 सेकंड का वेट करा रही हूँ। बस आपको थोड़ा टाइमिंग सेट रखनी है, जिससे क्या हो, जब एक स्प्राइट बोले तो दूसरी स्प्राइट क्या रहे, चुप हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप इसको हाइड करा दीजिए। अब लुक्स में जाके फिर से हमें हाइड का ऑप्शन लेना पड़ेगा, और हाइड का ऑप्शन लेकर हम इसको हाइड करा देते हैं, ठीक है गाइस। इतना हो गया। अब इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम लोग सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, बाय।